के हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं वीसी और आप देख रहे हैं माउंटेन वीस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे आईटीसी का जो शेयर है वो कितना और नीचे गिर सकता है, क्या इसके सपोर्ट होंगे, क्या इसके रेजिस्टेंस होंगे और आपको इसमें करना क्या चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम आ चुके हैं इसके चार्ट के ऊपर। इसका हाल फिलहाल का जो रिजल्ट आया है वो भी अच्छा है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो रिजल्ट में हमने देखा कि उसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो अभी हम चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पे अभी आप देख रहे हो तो अभी ये RSI का जो लेवल है, अभी ये RSI का लेवल है 25.94, मतलब ये हाल फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। तो हो सकता है आपको इधर से ये रिकवरी करने को मिले, लेकिन ये जो चार्ट है वो 1 वीक का है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो 1 वीक के हिसाब से जो ये RSI का जो लेवल है वो अभी हाल फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। तो अभी हम देखते हैं कि चार्ट पे क्या हो रहा है। तो चार्ट को जब मैं देख रहा हूँ तो आपको चार्ट में क्या है कि हाल फिलहाल एक स्पिनिंग टॉप जैसा दिखाई देगा। देखो ये स्पिनिंग टॉप और एक वॉल्यूम के साथ है। ये स्पिनिंग टॉप का आपको 1 वीक के हिसाब से नेक्स्ट वीक में आपको कंफर्मेशन मिल जाए बाय साइड का, तब आप अपनी यहाँ पोजीशन बना सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। तो देखो इसको, ये देखो ये स्पिनिंग टॉप आपको लग रहा है, उसमें आपको एक वॉल्यूम भी मिल रहा है। तो ये क्या है कि होता है, एक अच्छा पार्ट होता है स्पिनिंग टॉप, डोजी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये अच्छे अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसकी कंफर्मेशन लेके आप आगे जा सकते हो। और हाल फिलहाल हम देखे इसकी क्या है कि अभी हम क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते, तो मैंने पहले सपोर्ट ड्रॉ कर लेते। तो मैं इसको ड्रॉ करने के लिए मैं इधर से टूल यूज करूंगा, पहले मैं इसका सपोर्ट ड्रॉ करेंगे हम। तो सपोर्ट के लिए एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो आप देखोगे तो ये देखो, ये चार्ट में आप थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको, तो जो ये रेंज है, ये रेंज से लेके यहाँ तक, तो आप देख रहे हो ये इसका सपोर्ट है। आपको पीछे एक बार इधर से अप जाता हुआ दिखा था, बाद में नीचे आया, फिर से इधर से एक अप जाता हुआ दिखा था, इधर फिर से नीचे, फिर से इधर से अप जाता हुआ दिखा था, और अभी ये नीचे है उस जोन के आसपास ही है। और ये जोन है 200 से लेके 190 तक। अभी हाल फिलहाल इस जोन के अंदर एंटर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा अबो है, तो हो सकता है ये जोन के थोड़ा अबो ही क्या है कि ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, और हो सकता है इन फ्यूचर ये थोड़ा जोन के पास है 200 से लेके 190 तक ये जाए, फिर से एक अपसाइड आपको दे सकता है। तो देखना पड़ेगा लाइव चार्ट में क्या हो रहा है। बाद में मैं अगर इसका दूसरा सपोर्ट निकालू तो वो हमारी होगी राइजिंग सपोर्ट लाइन, तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मैं रे यूज कर लेता हूँ। तो मैं ये पॉइंट लेता हूँ और दूसरा पॉइंट लेता हूँ ये, तो ये दो पॉइंट में लगा रहा हूं। तो हाल फिलहाल मेरे को 1 वीक के हिसाब से ये क्या है कि स्पिनिंग टॉप के आसपास ही आया। इन सिंपल पहले मैं देख लेता हूँ अच्छे से पॉइंट ज्वाइन हुए या नहीं हुए। ओके, थोड़ा सा ये वो हो गया था। ओके, ये सही है। तो हाल फिलहाल ये इसके लाइन के आसपास है, थोड़ा इसके नीचे क्लोजिंग इसने दे दिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में अगर ये इसके अबव आके कोई प्रॉपर ग्रीन साइड वाली कैंडल बना देती है नेक्स्ट वीक की, तब हम इसमें बुलिश में आएंगे। तो ये था हमारा 1 वीक के हिसाब से। एक बार 1 डे पे क्या हो रहा है वो देख लेते। तो इसको मैं 1 डे पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो 1 डे पे कोई ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिख रही है जो आपको बुलिश जैसे दिखाए। बाद में अगर मैं इसमें क्या है कि चलो मान लेते कि इधर से ये अपसाइड गया, नेक्स्ट वीक ये अपसाइड प्रॉपर दे दिया, तो आपको इसमें क्या, कौन से सपोर्ट होंगे, कौन से रेजिस्टेंस होंगे। तो आप देख रहे हो 1 वीक के हिसाब से ये तो हो गया, ये तो दोनों में यूज हो गए। अभी मैं एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो फॉलिंग में एक ये पॉइंट ले लेता हूँ और ये एक नीचे वाला ये पॉइंट ले लेता हूँ। तो फॉलिंग सपोर्ट लाइन में आपको इधर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक क्या है कि नीचे एक जोन आ रहा है, एक फॉलिंग सपोर्ट ले पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं प्रॉपर क्या हो रहा है। तो ये हो गया हमारे सपोर्ट। अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस निकालू तो मेरा पहला रेजिस्टेंस क्या होगा? तो जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा? तो ये पहले मैं इसका चेंज थोड़ा कलर कर लेता हूँ। तो जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा, तो ये जो बार बार इधर सपोर्ट ले रहा था वही सपोर्ट हमारा अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार, तीन बार, चार बार, बाद में ब्रेक कर दिया, तो वही लाइन इसके लिए अभी ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर
जो 234 या 235 का लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकती है, इधर से ये नीचे आ सकता है। तो बाद में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा ये 200 की लाइन ही होगी। 200 की लाइन आप देखोगे तो इन फ्यूचर में भी बहुत स्टॉक अच्छे से स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है, तो इसमें भी कर सकती है। अगर मेरे को एक लेवल चाहिए तो मैं एक रेक्टेंगल टाइप ड्रॉ करूंगा, क्योंकि एक जोन की तरह मैं इस लेवल को देखता हूँ। वो लेवल है इधर से लेके इधर तक, जो ये दोनों का आए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए मैंने एक जोन की तरह रखा है। तो ऊपर जाता है या 200 को ब्रेक करके अब वो निकल गया तो ये लेवल के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये थे इसके हाल फिलहाल के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो अभी है वो लेवल पे भी अप जा सकता है, क्योंकि 1 वीक के हिसाब से इसने क्या स्पिनिंग टॉप बनाया, लेकिन उसकी कंफर्मेशन बाकी है। सो कंफर्मेशन लेके जाओ, नेक्स्ट वीक का वेट करो। अगर प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है बाद में आप इसमें क्या है कि अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हो। अगर मैं इसका क्या है कि रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो लास्ट इसका सपोर्ट था वही इसका रेजिस्टेंस होगा। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो 200 की लाइन और ये एक जोन, ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकते हैं। अगर आप इसमें 1 वीक पे देखें तो 1 वीक पे भी एक बार इसने आई थिंक 200 पे रेजिस्टेंस लिया था। देखो ये इधर इसने 200 पे रेजिस्टेंस लिया था। अगर ये ऊपर जाता है तो वही जोन के आसपास आई थिंक इसका आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि क्या है कि ये डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें इसे मानते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए लाइव चार्ट में क्या हो रहा है। अगर मेरे को इसमें नेक्स्ट वीक में एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल गई तो मैं इसमें अपनी लॉन्ग पोजिशन के लिए भी एड करूंगा, और बाद में थोड़ा सा क्या है कि अपना जो स्विंग ट्रेडिंग होता है इसके लिए भी मैं अपना कैपिटल इसमें ऐड करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। और हाल फिलहाल मेरी राय क्या है, तो मेरी राय यही है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एटलीस्ट 1 वीक का वेट कर लीजिए। अगर प्रॉपर ग्रीन कैंडल मिल जाती है नेक्स्ट वीक तब आप इसमें अपनी बाइंग पोजिशन बना सकते हो, क्योंकि जो हाल फिलहाल ये जोन में है वहां आपको एक क्या है कि बहुत अच्छा क्या है कि सपोर्ट जोन मिल रहा है। बाद में हाल फिलहाल ये अपनी क्या है कि फॉलिंग सपोर्ट लाइन पे भी है, तो सब कुछ एक साथ मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि इधर से ये अप जा सकता है, और 1 वीक के हिसाब से अपने ओवरसोल्ड जोन में भी है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम क्या है कि इसमें थोड़ी सी अपसाइड पकड़ ली तो आपको इधर क्या है कि 1 वीक के हिसाब से एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट में दोनों में एक डाइवर्जेंस मेरे को देखने को मिला है, लेकिन ये अगर अप जाता है तब की बात है। तो देखते हैं चलो 1 वीक के हिसाब से इसमें क्या होता है, और 1 डे के हिसाब से शायद ऐसा भी हो कि 1 डे पे कोई ऐसा चार्ट पैटर्न बना दे और बाद में आपको बुलिश साइन दे दे, तो वो सब चार्ट पे देखने को ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1 वीक का। अगर 1 वीक में बुलिशनेस आ जाती है प्रॉपर वॉल्यूम के साथ तब आप अपनी इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, पोजिशनल के लिए। तो ये था हमारी ओर से छोटा सा वीडियो ITC के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।